बोनस की मांग को लेकर कोटा थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य गेट पर थर्मल पावर ठेका श्रमिक यूनियन के द्वारा धरना दिया गया। धरने पर बैठे ठेका श्रमिकों ने थर्मल पावर स्टेशन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ठेका श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें श्रम कानूनों को ताक पर रखकर थर्मल पावर स्टेशन प्रशासन ने ठेकेदार से 2300 रुपए का दीपावली का बोनस भुगतान करवाया, जो कि नाकाफी है, जबकि उन्हें उनके वेतन के 8.33 बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। ठेका श्रमिकों ने कहा कि वे अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे और जब तक उन्हें श्रम कानून के अंतर्गत 8.33 बोनस नहीं दिया जाएगा, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार सभी परिवारों की खुशियों का त्योहार होता है, लेकिन ठेका श्रमिकों का शोषण करके उन्हें सिर्फ ठेकेदार से थर्मल पावर प्रशासन ने 2300 रुपए का बोनस भुगतान करवाया है, जो श्रमिकों के साथ कुटराघात करने जैसा फैसला है। ठेका श्रमिकों ने कहा कि मामले को लेकर पूर्व में थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य अभियंता को वे लोग ज्ञापन देकर अपनी मांग से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हक का बोनस होने नहीं दिया जा रहा। इसी बात से आक्रोशित होकर वो आज धनतेरस के दिन घर परिवार और कामकाज को छोड़कर थर्मल पावर स्टेशन के गेट पर धरना देकर बैठे हुए हैं। के द्वार पे बैठे हुए हैं। कोलैंडिक साइड में एसबी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कम से कम 200-250 श्रमिक कार्यरत हैं, परंतु हमें हर साल हम इनको पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं। चार साल से हम अवगत भी करा रहे हैं कि इनको 8.33 का आपसे मिलना चाहिए, जायज है गवर्नमेंट रूल के हिसाब। ये स्थायी ठेका श्रमिक है और रात दिन कार्य करते हैं, कड़ी मेहनत से जो भी अवार्ड इंसेंटिव इनको मिलता है कर्मचारियों को, ये पूरा इनके हकदार भी है, परंतु दीपावली पे बड़ा त्यौहार है फिर भी इनको इनको इनका जायज पैसा है वो नहीं मिल पाता है। बोनस की मांग को लेकर यहाँ पर थर्मल गेट पे आज सारे मजदूर भाई सभी यहाँ पर बैठे हुए, और आज धनतेरस का अलग जोर है, फिर भी लोग बाग धनतेरस के दिन तो खरीदारी तो नहीं कर रहे, आज गेट पे धरना देके बैठे हुए हैं। बोनस की मांग को चीफ इंजीनियर को मांग दे रखी है हमने, उस मांग को भी हमारी पूरी नहीं करी चीफ इंजीनियर साहब ने।